आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बंगाली रेसिपी। ये है टमाटर और अंडे की चटनी। ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने तेल ऑलरेडी चढ़ा दिया है पैन में, और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और सरसों। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कलौंजी। ये तीनों चीज़ चटक जाए तब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो मैंने दरदरा कूट लिया है, खलबत्ते में कूट कर उसे मिक्स किया तेल में, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद जब हरी मिर्च भून जाती है तब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे। अंडे को अच्छे से हम फेंट लेंगे उसी में ही, और एक भुज्जी सी बना लेंगे। अब मैं उसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो खलबत्ते में मैंने मिर्च पीसा था वही पानी मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये 2 से 3 मिनट बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो टमाटर अंडे की चटनी बनकर तैयार है। तो ये थी एक बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर।